नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर लखनऊ एयरपोर्ट पर सतर्कता को बढ़ा दिया गया है, तो विदेशों से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर ही जांच की जा रही है। तो बता दें कि कोरोना को लेकर प्रशासन खासा सख्त है, तो डीएम ने एयरपोर्ट पर बैठक करके अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। अब कर्मचारियों द्वारा यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग और यात्रियों के सामान को सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया गया है, तो साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा यहां सावधानी बरती जा रही है। देखिए, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, हमारे यहाँ 100% RT-PCR उनका होना ही है। इधर दे आर अपने साथ वो RT-PCR का रिजल्ट लेके आ रहे हों या 100% वैक्सीनेटेड हों, जो भी लखनऊ में लैंड करेगा और अगर वो बाहर के डेस्टिनेशन से, आउट ऑफ कंट्री डेस्टिनेशन से हमारे यहाँ आ रहा है, तो उसका 100% RT-PCR होगा, जो कि सरकार की तरफ से मुफ्त हो रहा है। और ये हम कंटिन्यू करेंगे जब तक हमारे ऊपर नए वेरिएंट का खतरा है। मान लीजिए किसी की रिपोर्ट में कुछ भी ऐसा सिम्टम्स आता है, तो उसके बाद क्या कुछ कदम उठाएंगे? हाँ, तुरंत हम उनको आइसोलेट करेंगे। हमने ये भी प्लान कर रखा है कि हम उनका दोनों तरह का टेस्ट करेंगे। यूपी के हमीरपुर में लव जिहाद के मामले में युवती ने युवक पर गंभीर आरोप लगाए, तो युवक ने खुद को हिंदू धर्म बताकर युवती से चौथी शादी को अंजाम दिया। इस बात की जानकारी तब लड़की को हुई जब उसने युवक के खिलाफ मामला दर्ज करवाते हुए अब कार्रवाई की मांग की। तो मामला मौधा कोतवाली का है, जहां युवती ने अपने ही पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया। बताते हैं कि 4 साल पहले एक युवक ने उसको झांसा देकर उससे शादी की थी, तो बाद में धीरे धीरे युवती को पता चला कि उसकी पहले से ही 3 बीवियां हैं और वो दूसरे धर्म से ताल्लुक रखता है, तो साथ ही वो धर्म परिवर्तन के लिए उसको प्रताड़ित भी करता है। अब पीड़िता ने घर से भागकर पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। मेरे साथ में झूठ बोल के मेरे से शादी किया, वो मुस्लिम है, बोला मैं कि राजेश यादव हूँ, रो नंबर से बात हुई हम लोग की, 2 दिन बात हुई, फिर तो उसके बाद मैंने स्विच ऑफ कर दी मोबाइल स्विच ऑफ करने के बाद चार्जिंग करने के बाद फिर पहला फुसला के मुझे लखनऊ तक बुला के लेके गया। लखनऊ से मैं अकेले गई, लखनऊ से उधर से लेके गया मुझे, और फिर उधर पर मुझे गया बलरामपुर जिला पे अपनी साली के पास लेके गया, उधर मुझसे झूठ बोल के शादी किया कि मैं राजेश यादव हूँ। फिर उसके बाद मुझे उसके 3 साथी हो चुके थे पहले से, एक लड़की भी थी, मुझे नहीं मालूम था, बच्चा हो गया मुझे तब मालूम चला कि हाँ उसकी लड़की भी है, आज 3 शादी की है। और फिर मुझे इधर से लेके गया, मारता पीटता था, गाली देता था, मांस वगैरह खाने के लिए बोलता था मुस्लिम हो जाओ, मुस्लिम के हर रिवाज बोलने करने के लिए बोलता था, मुझे नहीं करती थी उसके लिए मुझे मारता था। कैसे संपर्क में आया था, कैसे बातचीत हुई आपकी? मैं स्कूल जाती थी, स्कूल से पढ़ने के लिए आ रही थी स्कूल से, तो मुझे उसको मैदान हम लोग के इधर, तो घर पे मोबाइल पड़ा था, तो मोबाइल मैं उठाई, मोबाइल लेके घर पे गई, फिर मोबाइल मैंने सिम निकाल के रख दी उसका, तो फिर मैंने एक सिम निकाली, सिम निकालने के बाद फिर वो रोम उसमें से एक रोम नंबर आया, रोम नंबर में बोला कि मैं राजेश यादव हूँ, उसमें से बहलाने फुसलाने में बोला कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरे साथ चलेगी, तुम बहुत तुमको हर चीज करूँगा, उसमें रखूँगा। राजेश कहाँ का रहने वाला है? बलरामपुर जिला का है। आप कहाँ के रहने वाले? मौदहा का। मौदहा कोतवाली अंतर्गत एक महिला द्वारा ये प्रार्थना पत्र दिया गया है कि 4 वर्ष पहले उसकी शादी हुई थी, जिससे शादी हुआ उसने अपने को हिंदू बताया करके शादी किया था। इस संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया है, इसमें अभियोग पंजीकृत करा रहे हैं और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, उस पर बताया जिस तरीके से आरोप लगाया कि वो जबरदस्ती जो है मांस और इस तरीके की जो है चीज़ें और पूजा पाठ से भी उसको रोका जाता था, हर पहलू की इसमें गंभीरतापूर्वक छानबीन कर रहे हैं और जो भी तथ्य आएंगे तदनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। 4 शादियों के सर मामला है, इसमें क्या 4थी शादी इसने की थी इस तरह से? जाँच के दौरान जितने भी तथ्य आएंगे तदनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। भाजपा किसान मोर्चा के तत्वावधान में किसान ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया। रैली कालीथन गांव तुलसीपुर से होते हुए तहसील गेट पर जनसभा के रूप में जाकर समाप्त हुई। आयोजन में क्षेत्रीय अध्यक्ष शेष नारायण मिश्रा के साथ प्रदेश मंत्री किसान मोर्चा सिद्धार्थ अवस्थी ने सहभागिता की, तो वहीं महामंत्री हरीश श्रीवास्तव के साथ जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह, राज्य मंत्री पलटू राम और विधायक भी आयोजन में मौजूद रहे। तहसील गेट पर जनसभा में समापन के साथ पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया, तो मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट कर सरकार की योजनाओं की जानकारी किसानों को दी गई।
इस यात्रा का उद्देश्य किसानों को सरकार की नीतियों से अवगत कराना था, तो साथ ही सरकार को किसानों के साथ बताया गया। आज जो हमारे जनपद बल्लारपुर में किसान मोर्चा द्वारा ट्रैक्टर की रैली आयोजित की गई थी, उसमें उद्देश्य सिर्फ यही है कि हमारा जो गांव गरीब किसान सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हमारे यशस्वी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी जो निर्णय लेते हैं देश हित में, उसकी एक उद्गार। बदायूं के उगती में पुलिस और एसओजी की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया है। तो पुलिस ने जहां आरोपियों को दबोचा है, तो वहीं इनकी निशानदेही पर 5 इको गाड़ियों को बरामद किया है। पुलिस के अनुसार गिरोह के सदस्य दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मास्टर की के जरिए लॉक तोड़कर गाड़ियां चुरा लिया करते थे और अपने जनपद में लाकर इनके नंबर प्लेट चेंजेस, फर्जी कागजात तैयार करके इनको बेच दिया करते थे। अब पुलिस ने दबिश देकर इन सभी को दबोचा है, तो वहीं इनसे पूछताछ जारी है। जनपद बदायूं की जो हमारी स्वात की टीम है और उगहती की पुलिस ने SPRA और संबंधित क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में एक इको फोर व्हीलर चोरी करने वालों का गैंग का पर्दाफाश किया है, जिसके 3 सदस्यों को अरेस्ट किया है, जिसमें 2 बदायूं जनपद के रहने वाले हैं। ये दिल्ली और हरियाणा से गाड़ियाँ चुराते थे। 5 फोर व्हीलर इनसे बरामद हुई हैं, 3 गाड़ियाँ कनेक्ट हो चुकी हैं और इनके पूर्व के आपराधिक इतिहास भी हैं। 2 इनके गैंग के जो सदस्य हैं वो पकड़े नहीं जा सके हैं, भाग गए हैं मौके से, उनकी तलाश में हमारी टीमें लगी हुई हैं। और इस खुलासे से, इस गैंग के पकड़े जाने से आसपास दिल्ली और उसके आसपास इस प्रकार की गाड़ियां जो चोरी होकर के जिनकी चेसिस नंबर और नंबर प्लेट आदि बदल करके बदायूं से उनको बेचा जा रहा था, उस पर रोक लगाने में सफलता मिलेगी। इसमें पूर्व के जो इतिहास है उसके आधार पर इन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और उन्होंने जो उससे संपत्ति अर्जित की होगी उसकी भी कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। झांसी खजुराहो राष्ट्रीय राजमार्ग पर गौरव गेस्ट हाउस के सामने शादी समारोह में शामिल आए एक व्यक्ति की देर शाम अज्ञात चोरों ने मोटरसाइकिल को चोरी कर लिया, तो घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। बता दें कि ग्राम रास पहाड़िया सानी निवासी संतोष ने अब कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर पुलिस से गेस्ट हाउस के सामने चोरी की गई बाइक की रिपोर्ट दर्ज कराई है, तो वहीं पुलिस ने अब CCTV फुटेज के आधार पर तलाशी शुरू की है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए Live24।